हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे हो और बहुत अच्छा रहना भी चाहिए। तो आज के वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, मैं समर एप्रोप्रिएट हेयर ऑयल आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि समर आ ही चुके हैं तो उसमें करना है हेयर केयर, तो शैम्पू तो आज मैं नहीं दिखा रही हूँ, बाद में एक दिन मैं शैम्पू के भी सारे जो सजेशन है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बट आज करना है हेयर ऑयल शेयर, जो कि होगा समर अप्रोप्रिएट। तो समर में हम कुछ ऐसे ऑयल चाहते हैं जो कि नॉन स्टिकी हो, नॉन ग्रेसी हो, एकदम ही चिपचिप ना करे, लाइट वेट हो और जो हमारे हेयर को अच्छे से ग्रोथ दे, हेयर फॉल कम करे और हेयर को डैमेज होने से बचाए, डलनेस, रफनेस, ड्राइनेस दूर रखे, हेयर को मैनेज करे और रूट से टिप तक स्ट्रॉन्ग बनाए। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ हेयर ऑयल सिलेक्ट किए हैं, जो कि कुछ मेरे पीयर के हैं, कुछ मैंने खुद परचेस किए हैं। तो वो सारे मैं मेंशन भी कर दूंगी कि कौन से पीयर के हैं और कौन से मैंने खुद परचेस किए हैं। बट मैं जो सिलेक्ट करके आपको बता रही हूँ, जो जो बेनिफिट्स मैंने बताए ना पहले ही, वो सारे बेनिफिट्स आपको ये सारे ऑयल से मिलेंगे। सो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से हेयर ऑयल आज के सजेशन में इसके अंदर है। सारे हेयर ऑयल्स जो कि मुझे वन बाई वन आप लोगों के साथ शेयर करना है, तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देती हूँ क्योंकि हेयर ऑयल है, भारी है, तो वन बाई वन दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है ममा अर्थ के ऑनियन हेयर ऑयल। ये है ऑनियन एंड रिडेंसिल। जैसे कि होता है ना कि हेयर रीग्रोथ के लिए, हेयर फॉल कम होने के लिए हम ऑनियन का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट हम ऑनियन का जूस अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उससे बहुत गंदा वाला स्मेल आते हैं। तो ये जो है ना, ये लाइट वेट भी है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, हेयर फॉल कंट्रोल में हेल्प करते हैं और इसके स्मेल भी बहुत अच्छे हैं, आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट मैं जो शेयर करूंगी वो है ये है कैस्टर ऑयल और वीश केयर के कैस्टर ऑयल। तो ये है ब्रिसल वाले, जो कि ऐसे कॉम वाले मिलते हैं ना, अगर आपके हेयर रिग्रोथ में प्रॉब्लम है ना, वैसे कैस्टर ऑयल ना चिपचिपा सा ऑयल होते हैं, आप इसको ना कोई भी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके लगा सकते हो। मैं तो इसको डायरेक्टली लगाती हूँ। जब हमारे हेयर ग्रोथ की इशू आ जाती है ना, तब हमें चिपचिपा है, ऑयली है, ये सारे चीज़ों की ध्यान नहीं रहती है। तो वीकली तो हम इसको वन टाइम यूज़ ही कर सकते हैं। जिन लोगों के आईब्रोज की ग्रोथ नहीं है, जिन लोगों के आई लैशेज की ग्रोथ नहीं है, तो वो लोग डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हो। वैसे दूसरे सारे जो चिपचिपा सा ऑयल्स होते हैं ना, जो कि कैस्टर ऑयल होते हैं, उससे कई ज़्यादा अच्छा, इसमें कोई भी बैड स्मेल भी नहीं है और लाइट वेट तो नहीं है, क्योंकि सच में बता देती हूँ कि कैस्टर ऑयल कभी भी लाइट वेट में नहीं आते, हमेशा ही ये ग्रेसी होते हैं। बट इसको कोई भी अच्छे से ऑयल के साथ मिला के आप इसको हॉट करके भी लगा सकते हो। आप इसको ना स्किन के साथ भी यूज़ कर सकते हो और हेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हो, और ब्रिसल तो इसके साथ है, आप इसको भी डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अच्छी तरह से अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट मैं जो दिखाऊंगी वो है ये है सागा एपीथी करी वाला ऑनियन ऑयल। इसको मैंने स्मिटन से परचेस किए थे, छोटा वाला, ये अभी भी मेरे पास रह गए क्योंकि मैंने इसके दो दो जो कि है पैक परचेस किए थे, एक ख़त्म हो गया है। बहुत ही लाइट वेट सा है, 100% नेचुरल है, वेगन है। ये जो ऑनियन ऑयल है इसमें भी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। मैं इतने सारे ऑयल्स इसीलिए दिखा रही हूँ, आपको हर किसी ऑयल को परचेस नहीं करना है, कोई भी एक आप परचेस कर लो आपके लिए इनाफ होते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कौन से ज़्यादा पसंद आए। मुझे तो, मेरा तो ड्यूटी है कि मैं सिर्फ आपको रिव्यू ही शेयर करूँ, कौन सा क्या है वो मैं आपको दिखाऊँ। तो ये जो है, इसमें ना आपके डैंड्रफ भी दूर होते हैं, आपके हेयर रीग्रोथ भी होते हैं, आपके हेयर फॉल भी कंट्रोल होते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल रिव्यू वीडियो बनाए थे, तो जो मैं प्रोडक्ट आज दिखा रही हूँ ना, सबके ऊपर डिटेल रिव्यू वीडियो इंडिविजुअली अपलोडेड है मेरे चैनल के ऊपर, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिस्ट अगर मुझे मिलते हैं तो, अगर नहीं मिलते हैं तो ऑयल का नाम लिख के मेरे चैनल का नाम लिखना, आपको मिल जाएंगे दिस वन। नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी ये है H&W यानी कि हेल्दी एंड वेल्दी स्टोर से। ये है 100% प्योर एंड नेचुरल ऑयल, जिसके अंदर ना आपको ये सारे हर्ब्स दिखते हैं। ये थोड़ा सा ग्रेसी है, पहले बता देती हूँ, इसमें है सिस्मा ऑयल और कलौंजी, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए कितना ज़्यादा सही है। आपको पता है जो लोग वेगन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, आयुर्वेदिक नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, उन लोगों को ये मेरे पीयर में रिसीव हुए थे, तो मैंने इसको बहुत यूज़ किया, इतना सा बचा हुआ है। वैसे इतने सारे ऑयल्स होते हैं तो उसको यूज़ भी तो करना है ना, इसलिए सारे ऑयल्स ख़त्म नहीं होता है। दिस वन हेयर के रूट को बहुत हद तक ये स्ट्रॉन्ग करते हो, ओवरऑल एक मल्टीपर्पज़ ऑयल के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो।
नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी ये, और ये है द्राविडा का ऑर्गेनिक वाला ऑलिव ऑयल, प्योर एंड 100% नेचुरल दिस वन। इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू वीडियो बनाए थे, ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किए थे, इसमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल रहे थे। स्पेशली मैंने इसको स्किन पे यूज़ करने के लिए परचेस किया था, बट ये डेफिनेटली आप हेयर में भी यूज़ कर सकते हो। आपको पता है कि ऑलिव ऑयल हेयर के लिए कितना ज़्यादा अच्छे होते हैं, हेयर को मैनेजेबल कर देते हैं, हेयर के शाइन प्रोवाइड करते हैं, हेयर को ग्लॉसी कर देते हैं और हेयर के जो स्प्लिट एंड्स हैं उसको भी हील कर देते हैं। ओवरऑल बहुत बेनिफिट्स है ऑलिव ऑयल में अगर आप इसको अपने हेयर पे अप्लाई करते हो तो। अगर आपको ऑलिव ऑयल की तलाश है, बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं चलो ऑनियन को नहीं चूज करते क्योंकि हमें हेयर फॉल के प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे सारे हेयर मैनेजमेंट एंड ये सारे डैंड्रफ्स की प्रॉब्लम्स है या दूसरे कोई प्रॉब्लम्स है हेयर में, तो वो दूसरे कोई इंग्रेडिएंट के हेयर ऑयल यूज करना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली ये वाले यूज कर सकते हो दिस वन। इसके भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जो कि मैंने शेयर किए थे डिटेल रिव्यू वीडियो, उसके नीचे ही आपको मिल जाएंगे इसके परचेज लिंक। नेक्स्ट वन इज दिस वन, ये भी है ऑनियन ऑयल फ्रॉम द ब्रांड ओल्ड ट्री। पहले मैं बता देती हूँ ये मेरे फर्स्ट पीयर थे, फर्स्ट पीयर पैकेज में मुझे ये रिसीव हुआ था, ये अभी भी इतना सा बचा हुआ है। इसके फ्रेग्रेंस मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, ओल्ड ट्री ऑनियन, ओल्ड ट्री के ऑनियन हेयर ग्रोथ ऑयल, क्योंकि ये हेयर रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसको भी छोड़ के इसमें बहुत सारे मुलेटी है और बहुत कुछ है इसमें इंग्रेडिएंट्स जो आपके ओवरऑल हेयर ग्रोथ में भी मदद करते हैं, आपके हेयर को शाइन प्रोवाइड करते हैं, ब्लैक करते हैं, सिल्कियर करते हैं, स्ट्रॉन्गर करते हैं, लॉन्गर करते हैं और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। इसके भी जो स्मेल है एकदम भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लाइट वेट सा है, आपको कोई भी ऐसे ग्रेसीनेस या आपके हेयर हैवी नहीं होंगे, ऐसा कोई भी फीलिंग्स आपको नहीं होगी। तो ये है वो, और मैं बहुत हैप्पी थी इसको रिसीव करने के बाद जब मैंने अपने फर्स्ट पीयर रिसीव किए थे, वो भी ओल्ड ट्री की तरफ से। तो दिस वन एंड द लास्ट वन मैं बताऊंगी ये वाले, ये है उपकर्मा ऑनियन हेयर ऑयल। लास्ट मैंने उपकर्मा के हेयर ऑयल शेयर किए थे, उपकर्मा ऑनियन हेयर ऑयल एंड शैम्पू के मैंने कॉम्बो में शेयर किए थे, ये भी मेरे पीयर के ही है, पीयर में मुझे रिसीव हुए थे ये, और ये हेयर ऑयल में मेरे लास्ट पीयर है। वैसे उसके बाद दूसरे जो पेयर्स है वो दूसरे प्रोडक्ट्स है, बट ऑनियन ऑयल ही है ये, फर्स्ट भी ऑनियन ऑयल थे, अभी तक के हेयर ऑयल में ये वाले ऑनियन ऑयल मेरे लास्ट पीयर में है, उपकर्मा आयुर्वेदा के ऑनियन हेयर ऑयल। ये है नो सिलिकन, नो मिनरल, नो आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, इसमें एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है, इसके कलर भी बहुत ज़्यादा सुंदर है और नॉन ग्रेसी प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस इसमें नहीं है, हेयर रिग्रोथ में मदद करते, हेयर में शाइन प्रोवाइड करती है और हेयर को स्ट्रॉन्गर एंड लॉन्गर बनाते हैं, ये सारे फीचर्स भी इसके अंदर है। अभी तो मैंने 6 अच्छे अच्छे यहाँ पे हेयर ऑयल आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं, अभी डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन से वाले चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 6 दिखा आपको 6 ही परचेस करना है, बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई एक परचेस करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, डिटेल्स वीडियो भी मिल जाएंगे, तो आप डिसाइड करो कौन से आपको चाहिए। और अगर इनमें से कोई आप यूज करते हो ऑलरेडी तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, या मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम के आईडी भी मिल जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वेरी गुड बाय, टेक केयर।